हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुरजी। यू आर वॉचिंग वेदी लर्निंग। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कनाडा बायोमेट्रिक की। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि हमें पता है कि 1 अक्टूबर से कनाडा बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट रीस्टार्ट की गई है, दोबारा से बुकिंग की जा रही है। इसमें जो बहुत से एप्लीकेंट है, बहुत सी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करें और आइए जानते हैं BFS ग्लोबल ने इसके बारे में क्या बोला है। शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक एनरोलमेंट। आप कैसे बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जे मैनुअली और ऑनलाइन दोनों तरह से आप कर सकते हो। अभी हम जानेंगे कि मैनुअली आप कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। फॉर द सोल पर्पज ऑफ शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट, BFS ग्लोबल विल कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी एप्लीकेंट। यानी कि जब आप अपनी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट बुक कराते हो, बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाते हो, तब जो BFS ग्लोबल है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। डोंट इंक्लूड एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अदर दैन वट इज़ रिक्वायर्ड बाय दी अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सिस्टम इन दी ईमेल। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जो इन्फॉर्मेशन ईमेल में मांगी गई है वही आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर आप इसके अलावा कुछ भी फिल करते हो, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, वह एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ए कंसेंट फॉर्म इन दी रिगार्ड विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम दी एप्लीकेंट। The criteria for an emergency biometric appointment is as follows. अगर आप emergency के regarding कोई भी appointment book करा रहे हो biometric की, जैसे किसी की death of an immediate family member residing in the Canada, कोई आपका जो family member है Canada में है, उसकी death हो जाती है और आपको invite किया जाता है, वो उसके रिगार्डिंग आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। क्रिटिकली इल इमीडिएट फैमिली मेम्बर रिजाइडिंग इन कैनेडा, अगर आपका कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर जो है कैनेडा में है और वह सिख है, इसके रिगार्डिंग भी आप बायोमेट्रिक जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। एन इमीडिएट फैमिली मेम्बर इज़ डिफाइंड एज ए स्पाउस, इसमें स्पाउस हो सकता है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो सकता है, डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ ए डिपेंडेंट चाइल्ड, पेरेंट्स और स्टेप पेरेंट्स, गार्डियन, ट्यूटर। अगर आप इसके रिगार्डिंग अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तब आप करा सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाए वह ही आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एप्लीकेंट रिक्वेस्टिंग एमरजेंसी अपॉइंटमेंट फॉर दी पर्पस ऑफ बायोमेट्रिक कलेक्शन मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ एमरजेंसी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग एन अपॉइंटमेंट एट दी बैक। जैसे कि उन्होंने बताया है कि जो भी प्रूफ आपसे मांगा जा रहा है एमरजेंसी का, वह आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे किसी की डेथ हो जाती है, मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेटर फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर, जो भी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा लेटर प्रोवाइड किया जाता है वो आपको जो शो करना पड़ेगा, लेटर फ्रॉम फनरल होम, जो भी फनरल होम की ओर से आपको लेटर दिया, उन्हें लेटर दिया जाएगा, वह आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। साथ ही BFS ग्लोबल ने ये भी बोला है, प्लीज़ नोट दैट वैक विल रिपोर्ट ऑल एप्लीकेंट टू IRCC हु डोंट प्रेजेंट द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ एमरजेंसी एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग द एन एमरजेंसी अपॉइंटमेंट एट द वैक। उन्होंने ये भी बताया है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन IRCC को प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप एमरजेंसी का प्रूफ प्रोवाइड नहीं करते तब आप जो बैक सेंटर है IRCC को इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म करेगा। सो बी केयरफुल, आपको सारे जो प्रूफ है प्रोवाइड करने पड़ेंगे। IRCC may take this into consideration when reviewing the application. IRCC जो है आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, उसका रिजल्ट बाद में प्रोवाइड किया जाएगा।
An emergency biometric appointment does not affect IRCC processing time for the application or the outcome. जो IRCC की और जो IRCC की processing time है उसमें कोई भी effect नहीं पड़ेगा. Please note that emergency biometric appointment can't be scheduled using the online applicant system. To schedule an emergency biometric appointment, please do so by calling the VAC contact center or by visiting the VAC in person. अगर आप emergency biometric appointment book करा रहे हो तब आप directly online इसके regarding appointment book नहीं कर सकते. इसके लिए आपको VAC center में call करनी पड़ेगी जहाँ personally VAC center में visit करना पड़ेगा, तभी आपकी जो है biometric की appointment book की जाएगी. सो ये तो हो गई बात ऑफलाइन एप्लीकेशन की, यानी कि एमरजेंसी एप्लीकेशन आप किस तरह से बुक कर सकते हो, और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप किस तरह से बुक कर सकते हो. इसके लिए आपको जो वेबसाइट है BFS ग्लोबल की उस पर जाना होगा और अपनी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड करके आपको अपनी बुकिंग करनी पड़ेगी. बुकिंग करते समय आपकी एप्लीकेशन में डिले हो सकता है, एरर आ सकता है, बिकॉज़ अभी ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा है, वेबसाइट बिजी आ रही है. सो इस कारण जो है BFS ग्लोबल सारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, जिस कारण आपको वेट करना पड़ेगा. सो डू पेशेंट, आपकी एप्लीकेशन में थोड़ा डिले हो सकता है, घबराने की बात नहीं है. धीरे धीरे BFS जो है सभी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा. सो ये थी कनाडा की लेटेस्ट अपडेट. अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तब आप हमें व्हाट्सएप पर DM कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपके सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग विद दी लर्निंग.